अम्बरीश महाराज, आप जैसे भगवान की भक्त दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये उसी समय संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य तो कर रहे थे लेकिन कोई अभिमान नहीं। उन्हें नौकरों को देकर के सेवा नहीं, स्वयं राजा रानी ठाकुर का सेवा करते थे, सारे इंद्रियों के द्वारा प्रभु की भक्ति करते थे। बोले आप सबसे भगवान की प्यारे भक्त हो। पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, अभी एक नए घर में रानी आई, लेकिन राजा दिन में एक बार भी रानी से मिलने नहीं जाते। रानी तो बड़ी परेशान है, बोले नए शादी करके लाए, कम से कम तो एक बार तो मिल करके जाए। एक दिन वो रानी देखने के लिए आई राजा घर पे, किया देखा राजा होते हुए भी सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके अपना हाथों से मंदिर साफ कर रहे, अपना हाथों से ठाकुर का सेवा कर रहे, अपना हाथों से ठाकुर का श्रृंगार कर रहे, सारे सेवा 24 घंटा अष्टजाप ठाकुर का सेवा प्रभु का नाम करते हैं। बोले ओ इसलिए समय नहीं मिलता है, कल मैं थोड़ी राजा को मदद कर दूंगी, राजा को समय मिलेगा। राजा उठने से पहले ही उठ गए और पहले दिन देख लिया राजा क्या क्या करते हैं, ये भी मंदिर को साफ सुथरा कर दी, सुंदर सुंदर फूल चयन कर ले आए, चंदन घिस कर रख दिए, ठाकुर जी के लिए रसोई बना दी। राजा जब नहा धोकर आए ना तो बस सारे सेवा एकदम रेडी है, कोई सेवा करने का जरूरत नहीं। अगर हम होते ना खुश हो जाते, अच्छा हुआ आज कोई काम कर दिया। लेकिन राजा देख कर बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे सेवा को किसने छीन लिया। देखा ये छोटी रानी, बोले रानी तुमने मेरी सेवा को क्यों छीन ली, अगर तुम्हारी मन में इच्छा हो ना बोलो, तेरे घर में भी एक ठाकुर जी को मैं स्थापन कर दूं, तू अपना ठाकुर का सेवा कर, मेरे ठाकुर का सेवा करने का कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों, बोले भगवान की आप देखना, भगवान की सेवा करके देखो कितने शांति और मन में कितने आनंद आता है, हैं कितना शांति और कितने सुख मिलती है। इतने में बोले ठीक है मेरे घर में भी आप एक ठाकुर जी को स्थापन कर दो, एक केशव देव नाम को उनके घर में ठाकुर स्थापन कर दी। देखो जितने माता है ना इनके अंदर में जो विशेष गुण, बोले क्या गुण है, जैसे भाई लोग हैं, एक कुर्ता एक प्यार हो गया और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप दुकान में जाओ जितने श्रृंगार की वस्तु, स्नो पाउडर लिपस्टिक जितने अलग है, किसके लिए, सब माताओं के लिए, क्योंकि माताएं सब श्रृंगार करती है, कभी ये गुण माताओं के अंदर में ये श्रृंगार करती है। राजा भी ठाकुर का श्रृंगार करता है लेकिन ये रानी भी श्रृंगार करती है, खुद श्रृंगार करती है अपने आप, उसको पता है उसने इतने सुंदर ठाकुर को श्रृंगार की, इतने सुंदर ठाकुर जी श्रृंगार की। एक दिन राजा रानी को घर में आए, देखा क्या सुंदर श्रृंगार, देखा हमारे ठाकुर को कृष्ण का देखो और राधा रानी का देखो, देख कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर भी हमारे दो भक्त हैं, ये माता जी बैठी हुई, इनके एक प्रभु जी है, हैं, इसलिए ये दोनों रोज रोज ठाकुर को देख कृष्ण के मुकुट पहने। देखो आप भी यहाँ देख करके जाना, जाते समय जरूर ठाकुर को दर्शन करके जाना कि ठाकुर को कितने सुंदर श्रृंगार करते हैं, हैं, कितना बांके बिहारी की देख छठा मेरे मन है गयो लटा बटा। इसलिए अभी उन्होंने इतने सुंदर श्रृंगार किए, राजा तो इतने खुश हो गए, रानी को खूब बहावा दिए, बोले इतने दिन से मैं श्रृंगार करता हूँ, इतने सुंदर मैंने श्रृंगार नहीं कर पाए। राजा और किसी रानी के घर में नहीं, छोटी रानी घर में आते हैं, और भी रानियां थी, वो काना भूसा खुशी शुरू कर दी। राजा तो मेरे इसको घर में नहीं जाता था और इसको घर में इतने नंबर क्यों लगा रहे, उनने सियाट लगा दिए दासियों को, देखो तो राजा इतने नंबर क्यों लगा रहा है। देखा राजा रानी से मिलने नहीं, रानी की सेवा को दर्शन करने के लिए जाती है। इतने में जितने रानियां सबसे सुबह आ गई, बोले महाराज हमारा घर में भी एक ठाकुर स्थापन करो, हम भी सेवा करेंगे। राजा तो वैष्णव थे, भक्त थे, इतने खुश हो गए, बोले मैं तो यही चाह रहा था, सबके सब ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हो जाओ, सभी का जीवन धन्य हो जाएगी। अभी तो सब में कंपटीशन लग गया, कौन कितने सुंदर श्रृंगार कर सकता है। राजा बड़े खुश हो गए, धन्य हो गया, हम चाहता हूँ मेरे सब रानी से ठाकुर जी को सेवा करें। ऐसे श्री अम्बरीश महाराज थे। इसलिए श्री नारद जी बोले महाराज आप जैसे भगवान की प्यारे भक्त जगत में कोई नहीं। इतने में अम्बरीश महाराज बोले मेरे को भक्त कह रहे हो, भक्ति का भाव भी मेरे अंदर भी नहीं। बोले क्यों, भक्ति का यही गुण, भक्ति कभी अभिमान नहीं देता है, भक्ति हर समय नीचे जीव को नीचा कर देता है, तीन ही मांगते हैं। बोले भक्त देखना है ना, जाओ आप किसकी निगाह में जा करके श्री हनुमान जी को देखो, कैसे श्री हनुमान जी ठाकुर की सेवा करते हैं। इतने में श्री नारद जी उठाया बिना और आकाश मार्ग में चल पड़े।
जब वहां पर गए देखा श्री हनुमान जी दोनों आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है और उनका रोमांच हो रहा है, शरीर हृदय प्रेम में गदगद हो रहा है और प्रभु का कीर्तन कर रहा है। बले रघुपति राघव राजा राम पति किसकी साध्य नहीं था समुद्र लंघ करके जाए और मेरे को पता लगा है, इसलिए तेरी वजह से मेरे को मुक्ति मिली। मैया सीता के गले में एक नवलाख हार थी, उन्होंने निकाल कर हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी एक एक मोती को लेकर दांत में काट काट कर देख रहे थे और फेंक रहा था। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले ऐसे क्या बोलते बंदर को अदरक का क्या स्वाद है पता है, तुमने इतने कीमती चीज तो काट काट कर फेंक रही क्यों? बोले मैं देख रहा हूँ इसमें मेरी प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें सीताराम का कोई छवि नहीं हनुमान उसको धारण नहीं करता है। बोले बात तो बड़ा बड़ा करते हो, फिर तेरे शरीर में क्या सीताराम है, फिर शरीर को फेंक दे। बोले देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे? इतने में हनुमान की छाती को फाड़ दिए, सचमुच से उनकी छाती में हृदय में देखा सीताराम के निवास है। मैया तो मान गई सचमुच से राम की बड़े प्यारे भक्त है। इसलिए एक दिन क्या हुआ, मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, हनुमान माता सीता को अपना माँ मानती और मैया सीता हनुमान को अपना बेटा मानती। मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, हनुमान अंदर में चल गए और मैया सीता सिंदूर और मान बदल रही थी। हनुमान जी ऐसे ऐसे देख रहे थे, बोले क्या देख रहे हो? बोले माता जी एक सिंदूर का एक बूंद और यहाँ पर सिंदूर का एक रेखा क्यों आंकर रखी? बोले बेटा ये सुहाग का चिन्ह होता है। बोले मैया सुहाग सुहाग क्या होता है? बोले पत्नियां इसलिए धारण करती हैं पति दीर्घायु हो, हाँ पति दीर्घायु हो, पति का जस हो, पति सुस्थ रहे, हाँ हमसे पहले पति नहीं मरे, पति के कल्याण के लिए ये माताएं धारण करती हैं। हनुमान जी चले गए, जब मैया श्रृंगार करके चली गई ना, हनुमान जी अंदर में गए, जितने सिंदूर था उठाया सारा शरीर में पोत दिया, पूरा शरीर में पोत करके अभी राम दरबार लगा हुआ था हनुमान जी वहां पर पहुंच गए और जितने जनता देख देख कर हंस रहे थे, देखो ये बंदर ने क्या किया, सारा सिंदूर लगा के कहा गया। लेकिन प्रभु राम को पता है, प्रभु ने पूछा हनुमान जी तुमने ये सारे सिंदूर को शरीर में क्यों पोत दिए? बोले प्रभु जी मैंने मैया सीता को देखा श्रृंगार करते हुए, मैंने पूछा मैया ये क्या चीज है, तो जो एक फोटा और एक रेखा अंकन करने पर अगर प्रभु की इतना परमाई बढ़ जाए, दुनिया में जस जाए, मेरे पति तो आप ही हो ना, मेरे प्रभु तो आप ही हो, मैंने सोचा अगर पूरा शरीर में ये सिंदूर सिंदूर को पोत दूं ना, मेरे प्रभु का जो जीवन दीर्घायु होगा, संपूर्ण विश्व में प्रभु राम की जय जयकार होगी, जस होगी, इसलिए हमने ये सारा शरीर में पोत दिया।
देव हनुमान जी की सेवा करती है। एक दिन राम एक दिन लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न एक मीटिंग की, बल्कि ये बंदर ये सारे सेवा अगला अगला करता है, हमें सेवा की सौभाग्य नहीं देता। एक दिन ये चारों ने बोले सीता जी को बोले अंदर की सेवा आप करो, हम तीनों भैया बाहर का सेवा करेंगे। ये हनुमान को घर से निकाल दे, बोले हनुमान इधर आ, बोले क्या बात, इधर से नहीं जाओ गेट में बैठो, बोले क्यों, बोले सारे सेवा अकेला करते हो, हमें को कोई सेवा की सौभाग्य नहीं देते, आज से अंदर का सेवा माता जी सीता करेगी और बाहर का सेवा तीनों भैया कर लेंगे। हनुमान जी कहा देखो प्रभु का सेवा ही मेरा जीवन है, मेरे को कोई एक छोटी मोटी कोई सेवा दे दो जिसको तरह मैं अपना प्राण को बचा लूंगा। बोले क्या सेवा दिया जाए जो किसी जरूरत नहीं हो ना वही सेवा दो। बोले कौन सा सेवा, बोले प्रभु जब जम्भाई लेंगे ना तुम चुटकी बजाना, प्रभु पता है प्रभु कभी जम्भाई नहीं लेते ही नहीं, चुटकी बजाने का जरूरत नहीं। बोले ठीक है, बोले जाओ गेट बाहर जाओ। इतने हनुमान जी गेट बाहर चले आए, बस चुटकी बजाते हुए बोले रघुपति राघव राजा राम भगवान को जम्भाई को बड़े जम्भाई, जम्भाई को बड़े जम्भाई, जम्भाई बंदी नहीं हो। भगवान की सेवा तभी करोगे जब जम्भाई बंद हो ना, सबका सेवा खत्म। इतने में वैद्य को बुलाया, बोले देखो, उन्होंने देखा नहीं तो प्रभु तो सुस्त है, कोई तो बीमारी है नहीं, बोले जम्भाई क्यों ले रहे हैं। बोले भैया हनुमान जी कहा, बोले हनुमान को तो सेवा से हमने निकाल दिया। बोले हनुमान क्या कर रहे हैं, बोले बाहर बैठ गए चुटकी बजा रहे, पता नहीं प्रभु कब जम्भाई आ जाए इसलिए पहले से, बोले इसलिए तो प्रभु जम्भाई ले रहे हैं, हनुमान का सारी सेवा वापस दे दो, बस प्रभु अपने आप सही हो जाएगी। मतलब श्री हनुमान ऐसे हैं, इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम हनुमान जी, आप भगवान के सबसे प्यारे भक्त हो। हनुमान जी बोले मेरे को मेरे अंदर में भक्ति की भाव नहीं, बोले क्यों, बोले जब भगवान संपूर्ण अयोध्या को छोड़ करके अपना नित्य सांकेत धाम को गए, सबको लेकर गए, लेकिन एक श्री हनुमान को रख कर गए। बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे फिर हमारी भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए हनुमान जी को राम भक्ति प्रचार करने के लिए ठाकुर जी दुनिया में छोड़ कर गए। हनुमान जी कहते हैं दुनिया को लेकर गए, अकेले मेरे को प्रभु छोड़ कर गए। आप कहते हो मैं भगवान की कृपा मात्र, हाँ भक्त देखना चाहते हो ना, जाओ तुम पांडवों के पास हस्तिनापुर चले जाओ, यहाँ पर तो मैं प्रभु को सेवा करता हूँ, वहां देखोगे प्रभु को सेवा करते हुए भक्तों को देखोगे। इतने में श्री नारद जी उठाया बिना बास पहुंच गए, कहां पर हस्तिनापुर में पहुंचे, देखा एक बिस्तर के ऊपर में कृष्ण और अर्जुन सोए हुए, और कृष्ण के सर का तरफ में अर्जुन का प्यार है और कृष्ण का प्यार का तरफ में अर्जुन का सर है, और श्री कृष्ण का चरण को द्रौपदी सेवा कर रही थी और अर्जुन का चरण को लक्ष्मी सेवा कर रही थी, और अर्जुन की रोम रोम से कृष्ण 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 उसका रोम रोम से कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। इतने में नारद जी गए और वीणा बजाते बजाते और रोम रोम से प्रभु का नाम निकल रहा था, बस नारद ने नाचना शुरू कर दिया वहां पर। जब नाचना शुरू कर दी, जब अर्जुन का नींद खुला, बोले अर्जुन पांडव लोग तुम लोग भगवान के सबसे प्यारे भक्त हो। बोले क्यों, क्योंकि सारा दुनिया जिनकी सेवा करते हैं ठाकुर जी तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं ठाकुर जी। जब अर्जुन का सारथी का काम किसने किया, कृष्ण ने सारथी का काम किया। जब राज उसमें यज्ञ कर रहे थे, सबके सब बड़े बड़े सेवा बांट लिया, सबसे जो दो घटिया सेवा खाने के बाद पतल कौन उठाएगा और सभी का चरण कौन धोएगा ब्राह्मण को, कृष्ण कहते वो दो सेवा मेरे को दे दो।
इसलिए जब जब तुम्हारी कोई जरूरत पड़ी, शांति दूत किसको भेजे? कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके जाते हैं। जब पांडव लोग सोते हुए रहते हैं, कृष्ण स्वयं भगवान का काम करते हैं, भक्तों को रखवाली ऐसे करते हैं। पर सारा दुनिया जिनकी सेवा करता है वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। भगवान के सबसे कृपा पात्र कौन है? अरे तुम लोग। जब उन्हें ये बात बताए तब पांडव लोग ने कहा, नहीं आप नहीं जानते हो सचमुच से हमें भक्त तो कह रहे हो। हाँ भक्त देखना है ना, जाओ श्री उद्धव जी के पास में। इतने में श्री नारद जी उद्धव जी के पास में गए। बोले श्री उद्धव महाराज की। बोले हे उद्धव जी, कृष्ण का सबसे जो कृपा पात्र तुम हो, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं। बोले न तथा मे प्रियतम आत्मज्वनि न शंकर। बोले हे उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय है ना, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरि हरे एकात्मा शंकर भी इतने प्रिय नहीं, मेरी जो अंकसहनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं। बोले इनकी बात छोड़ो, मेरे जो दाऊ भैया है जो अभिन्न स्वरूप को भी इतना प्रिय नहीं। बोले इनकी बात ही छोड़ दो, मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं। हे उद्धव तुम जितने प्रिय हो। इसलिए कभी कभी कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। बोले हे उद्धव, बोले कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सदैव सखा। कहते गुरु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। ये उद्धव इतने बुद्धिमान थे, ये विश्व में उनको पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं मिले, इनके प्रश्न ही कोई नहीं समझते थे, इसलिए उनको स्वर्ग में भेजा गया। बृहस्पति के पास में पाठ पढ़ करके आए। कृष्ण इनको मंत्री रूप में भेजते हैं, दूत रूप में भेजते हैं, परामर्श श्री उद्धव जी से लेते हैं। इतने बड़े बुद्धिमान उद्धव। बोले हे उद्धव, कृष्ण का सबसे प्यारे सखा तुम हो। जब उन्होंने ये बात बताई ना, उद्धव जी ने कहा, देखो मैं पहले यही सोचता था, मैं कृष्ण का जितना प्यारा दोस्त हूँ, जितने भक्त हूँ, ये पृथ्वी पे मेरे जैसे कोई कृष्ण का भक्त नहीं, पहले मैं भी यही सोचता था। लेकिन बोले उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। जब कृष्ण मेरे को दूत रूप में भेजे ब्रज में, तुम जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दे करके आना। उद्धव ने कहा, मेरे मन में बड़ा अभिमान था, अरे ग्वालिनी गांव में रहने वाली, कंडा बिनने वाली, दधी मंथन करने वाली, इनको समझाना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है, इनको तो मैं चुटकी बजाते हुए मैंने इनको समझा दूंगा। लेकिन जब मैंने ब्रज में गया और ब्रजवासियों का विरह को देखा, कैसे कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रज कैसे डूबा हुआ। कृष्ण जब से ब्रज छोड़ कर गए, कोयले कूदती नहीं, मयूर एकाग नहीं करते, घर में कोई खाना नहीं बनाते, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पी रहे, पूरा ब्रज कृष्ण विरह में एकदम डूबा हुआ था। नंद बाबा को मैंने कोशिश की समझाने के लिए, लेकिन जो बात मैंने समझाने के लिए कोशिश की वो उल्टा हो गया। फिर गोपियों को प्रेम को हमने देखी, गोपियों ने हमें ऐसे ऐसे प्रश्न की, एकदम मेरे मुंह को बंद कर दिया, कोई आंसर नहीं दे पाया। फिर गोपियों ने हमें लेकर के झाड़ी को अंदर ले गए। बोले आओ उद्धव, देखो हमारे से राधा रानी की क्या अवस्था है। सुंदर एक कमल फूल की सज्जा बिछा करके रखे, राधा रानी के शरीर में अबूर कर्पूर चंदन की लेप करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे तपी हुई, एक मिनट में एकदम चुर चुर हो रहा था अबूर कर्पूर चंदन, और एकदम कमल का फूल का पखुड़िया एकदम सूख करके झड़ रहा था। इतने में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके राधा रानी को पास में आते हैं। जब राधा जी के चरणों के ऊपर बैठने के लिए चाहती है, इतने में राधा रानी ऐसे उनको ताना मार रही थी। बोले जितने काले हैं ना, सब काले बदमाशी है। एक काले थे कौन? बोले सत्यजीव में बामन देव, ये बलि महाराज जी को घर में आए और उन्होंने बोले, देखो हमको 3 पग जमीनी चाहिए, हमें ब्राह्मण ज्यादा नहीं चाहिए। उन्हें जब संकल्प किए, एक पैर में तो विश्व ब्रह्मांड को ले लिया आकाश तक, दूसरे पाताल तक, तीसरे पैर रखने का जगह नहीं। फिर उनको बांध दिए, जैसे कौवा खाते और ठोकर मारते ना, जितने काले ऐसे। फिर तृतीया युग में काला आया, बोले कौन? बोले राम। ये वन में बड़े सुंदर हाँ पत्नी को लेकर गया, लेकिन श्रृंगार कैसे? राम का श्रृंगार कैसे? ऋषि जटाजुग है, हाथ जटाजुग ये ऋषि का, लेकिन हाथ में मेरे धनुष है। इतने में सुपर्णखा आकृष्ट हो गई। बोले भैया सुपर्णखा का क्या दोष? कोई दोष नहीं, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है किसी सुंदर पुरुष को आकृष्ट होती है। बोले तुम इतने सुंदर क्यों?
अगर तू इतने सुंदर नहीं होता, सुपड़े का आकर्षण नहीं होते, कोई बात नहीं, तो उसका फिर नाक कान क्यों कटवा दे? कहते वही जो काले लोग मतलब वही काले, देखो द्वापर युग में वही कृष्ण काले, जितने काले ना सब धूर्त है, ये काले से कोई मतलब नहीं, ये काला का हम बात नहीं सुनना चाहते हैं। सखियों को कहते देखो कोई काले चीज जैसे सामने नहीं आए, ये भ्रू भी काली है, बोले चंदन से उसको सफेद कर दो, बोले केस भी काली, बोले फूलों की माला से उसको सफेद कर दो, ये कोई काले चीज जैसे यहाँ नहीं आ पाए। कृष्ण को ऐसे ताना मार करके बात कर रही थी। इतने में उद्धव जी ने कहा भैया काला अगर इतने खराब है, लेकिन जब से आया वही काली काली का नाम ले रहे हो, वो काला का बात छोड़ दो ना और भी बात करो। बोले यही तो बात है, वो काले का मुंह से हम जीवा को बोलते हैं, वो कृष्ण का नाम ही मत लो और कोई लो, लेकिन ये जीवा से जब निकलती है ना, कृष्ण नाम छोड़कर कोई नाम निकलती नहीं। ये कान को हम समझाते हैं तुम कृष्ण की बंसुरी छोड़कर के और कोई चीज को सुनो, लेकिन आए तो कोई आवाज ना, कोई कन्या की बंसुरी की आवाज आती है। हाँ ये आंखों को कहते हैं भैया काले छोड़कर और कोई चीज देखो, लेकिन जहाँ नेत्र बड़े वही कृष्ण का वही काले दिखता है। ये हाथों को बोलते हैं तुम कृष्ण सेवा छोड़कर और कुछ करो, लेकिन करे तो कृष्ण सेवा करती है। प्यार को हम समझाते प्यार तुम कृष्ण जहाँ लीला किया वहां मत जाओ, लेकिन प्यार वही जाती है जहाँ पर कृष्ण की लीला। हम बहुत समझाते हैं ये मन को तो कृष्ण की चिंता छोड़ दे, लेकिन हमारी कण कण में ये कृष्ण बैठ गए। कृष्ण छोड़ कर और कोई चिंता नहीं होता। देखो ये गोपियों की अवस्था, हमारी अवस्था क्या है देखना। जब हम बैठते हैं भजन करने के लिए, हम सोचते हैं जितना समय 5-10 मिनट बैठे केवल भगवान के स्मरण हो। हमारी स्थिति कैसे, आंख बंद करते ही कृष्ण को अलावा और दुनिया दिख रही है, बेटा बेटी नाती पोती सारा दुनिया, लेकिन वही कृष्ण ही नहीं दिखेगा। लेकिन जब उद्धव जी ने ये चीज को देखा, हम कृष्ण को याद करना चाहते हैं कृष्ण याद नहीं होते, लेकिन ये कृष्ण को भूलना चाहते हैं कृष्ण को ये भूल नहीं पाते। इनकी प्रेम को देख करके ना उद्धव आश्चर्यचकित हो गया, जितने इसकी अभिमान थी सारे अभिमाना चकनाचूर इसकी हो गई। फिर उन्होंने 5 श्लोक में ब्रज गोपियों की चरण की धूल को वंदना की। बोले आशा मह चरण रेणो जुसा महम श्याम वृंदावन कहते हैं क्या मेरा ऐसे कभी सौभाग्य होगा, ये ब्रज वृंदावन में उन्होंने 3 चीज के लिए प्रार्थना की। बोले वृंदावन में घास हो करे जन्म हो। बोले घास क्यों चाहते हो? बोले गोपियों को तो चल करके जाना ही पड़ेगा, अगर घास बने रहेंगे उनकी चरण की धूल मिल जाएगी। बोले वहां पर लता बता क्यों बनना चाहते हो? बोले जब कृष्ण कुंज कुंज में लीला करेंगे अगर लता बता बने रहेगा तो दर्शन हो जाएगा। बोले औषध वृक्ष रूप में क्यों चाहते हो? बोले कभी अगर बीमारी पड़े दवा खाए तो उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा। लास्ट में कहते हैं अगर इसी जीवन में किसकी जीवन सार्थकता है, बोले ये ब्रज गोपियों का जीवन सार्थकता। केवल क्यों? बोले जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर में और नारद भी जिस प्रेम को प्रार्थना करते हैं वो प्रेम ही ब्रज गोपियों का जन्म वो प्रेम है। बोले स्वर्ग में देवियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, लक्ष्मियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, देखो देखो तो सही कहा ये वृंदावन जंगल में जन्म हुई है और ये ग्वालिनिया है जो पवित्र नहीं जानती, इनके रोम रोम में देखो कृष्ण कैसे समाये। लास्ट में कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिचरस्त, कहते तभी मेरे जीवन धन्य होगा अगर श्री गोपियों की राधा रानी की चरण की एक धूल अगर हमें मिल जाए ना, हमारा ये जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। इसलिए श्री उद्धव जी कौन है? हाँ देखो 5 तरह का भक्त बताया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। ये उद्धव जी को प्रेमातुर भक्त बताया, मतलब भक्त में अंतिम छोर है उसको पर भक्त नहीं, लेकिन ये उद्धव जी क्या प्रार्थना करते हैं? गोपियों की चरण धूलि और राधा रानी की चरण की धूल प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री परीक्षित महाराज अपना मैया को कहते बोले मैया अगर जीवन में राधा रानी जैसे ब्रज गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति करती थी अगर ये ऐसे भक्ति मिल जाए तो समझना हमारा जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। इसलिए भागवत का सार क्या है? ब्रज भक्ति में गोपियों की प्रेम है, अगर ये भाव आ जाए समझना यही भागवत की सार है। लेकिन अभी प्रश्न है, देखो अभी हम समाप्त करने जा रहे हैं, अभी प्रश्न है
लेकिन ये भक्ति तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये भक्ति को हम पाए कैसे? कहते ये भक्ति को पाने के लिए हमें गंदी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम बहुत हाई फाई प्रेम है। गंदी चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास हो जाओ, सचमुच से वो आपका बीमारी दूर करना चाहता है, वो क्या बोलेगा? देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर आप परहेज को साथ में दबा लोगे ये बीमारी जल्दी जल्दी सही हो जाएगी, अगर बगैर परहेज के दबा लोगे तो फिर बीमारी सही होने में लेट होगी। बोले भैया वो परहेज क्या? हम पहले सुने हैं चार परहेज हमें करनी चाहिए। पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए। हम पहले सुना है धर्म का प्रथम चरण है सत्य है, जो जुआ खेलते कभी सच नहीं बोल सकते हैं। स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सिखा दिया, देखो मैं स्वयं धर्मराज होकर के जुआ खेला तो कितने सर्वनाश होगी, खबरदार कभी जुए में हाथ मत लगाना। दूसरा चीज, किसी तरह का नशीली वस्तु मत लो, पान पीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। आप लोग भी बच्चों को भी ये सब चीज से दूर करना। लेकिन अभी क्या है कि सभ्यता होगी जानते हो, अगर बच्चे का बर्थडे हुआ शादी हो ना, शराब के बगैर काम नहीं चलता, मतलब इतनी गंदी हो गया। इसलिए मैं पहले बताया था ना, संत कह रहे थे जिस बच्चे का बर्थडे में शादी में तुम इतने बोतल तोड़वाते हो और इतने मांस खिलाते हो जीव हिंसा करते हो, वो कभी शुभ विवाह हो सकता है? वो बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा। बल्कि अगर 50 साल उम्र हो ना, झट 100 साल हो तो 50 साल उतर आएगा, क्योंकि जिसके उद्देश्य में तुम इतने गंदे काम कर रहे हो। इसलिए कोशिश करना शादी शुदा बच्चे का बर्थडे में ऐसे लोगों को बुलाओ मत, जो शराब पीने वाले लोगों को बुलाओ मत, जरूरत नहीं उनको बुलाने का। घर में भगवान की प्रसाद बनाओ, घर में हरि कीर्तन करो, ऐसे व्यक्ति को बुलाओ। देखो हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग, उनका भी बर्थडे बनाते बच्चों का शादी शुदा, किसी तरह का कोई गंदी वस्तु नहीं व्यवहार करते, कोई शराब नहीं, प्याज लहसुन तक भी नहीं, उसमें शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद खिलाते हैं, जिसका खुशी खाए नहीं तो जाए बाढ़ में जाए। कोई जरूरत नहीं ऐसे गंदे आदमी को बुला करके इतने शराब पिला करके उनको पाप संग्रह करना, जरूरत नहीं ऐसे व्यक्ति को साथ में। इसलिए भागवत रामायण कहता है जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजिय कोटि वैरी समझ यद्यपि वर्म सने। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मीरा जिस समय गोस्वामी तुलसीदास के पास पत्र लिखते हैं, कहते मेरे पूरा परिवार भक्ति के विरोध है, अभी मैं क्या करूँ? तब से तुलसीदास जी वो पत्र को लिख करके भेजते हैं मीरा को पास में, कर जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजिय कोटि वैरी समझ यद्यपि वर्म सने। बोले प्रमाण, बोले तेज तो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, बलि महाराज गुरु को त्याग दिया, विभीषण अपना भाई को त्याग दिया, भरत अपना मैया को त्याग दिया, गोपियों ने अपना पति को त्याग दिया, तभी इनके कल्याण हुई है। इसलिए कोशिश कर बच्चों को सतमार्ग में लाने के लिए, उनको सही रास्ता में चलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कोई गंदी चीज लेनी चले। तीसरा जो चीज है कहते स्त्रियम, स्त्रियम मतलब स्त्रियों के ऊपर में ये कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है? बोले बगैर साथी के जो अवैध रूप में दूसरे पुरुष से मिलते हैं। संसार करो शादी शुदा करके, पत्नी पति पत्नी मिल करके संसार करो, ऐसे नहीं शादी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके घूमे, नहीं, शास्त्र इसको मना करता है, कहते इसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है, हैं? इसलिए ये चीज को नहीं करनी चाहिए। और जो चौथा चीज है कहते जीव हिंसा मत करो। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा और प्याज लहसुन, ये चीज को नहीं खानी चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक भ्रम बैठा हुआ, क्या भ्रम है? अगर मांस मछली नहीं खाएंगे फिर शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा, फिर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, ये सबसे सब कमजोर हो जाएंगे? बोले नहीं, कमजोर नहीं, ज्यादा ताकतवर होंगे। हैं, मैंने पहले समझाया था ना, एक तरफ में वेजिटेरियन देखो, दूसरे तरफ में नॉन वेज देखो, नॉन वेज कौन खाते? कुत्ता खाता है। आप देखना कुत्ता जब थोड़ी सी भागता है ना, हाँफने लगता है। आप डिस्कवरी खोल कर देखो, एक शेर और एक बाघ को देखो, जब एक बार वो मांस खाते हैं 3-4 दिन तक तो सोते रहते हैं, क्यों? हजम करने के लिए, उसको कच्चा मांस खाते, हजम के लिए टाइम चाहिए, तो उसमें सोते रहते हैं। ये सबसे सब नॉन वेज वेजिटेरियन देखो, एक घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, छोला खाता है। लेकिन जब किसी मछली को साथ में उदाहरण देते हैं, फिर कितने हर्ष पावर,
किसको साथ में उदाहरण देते हैं? हम श्री घोड़े को साथ में उदाहरण देते हैं। रेस किसकी होती है? घोड़े की। आप वृंदावन में जाओ देखना, दस दस पंद्रह पंद्रह व्यक्ति को एक घोड़ा बैठा कर भागा कर ले जाता है, इतने ताकत है ये सब के सब वेजिटेरियन। हाथी क्या खाता है? पेड़ पौधा खाता है। इतना बड़ा शरीर किसका है? इतना ताकत किसके शरीर में है क्या? एक बैल क्या खाता है? घास खाता है, दिन भर बिना खेती में काम करता है। एक गधा क्या खाता है? घास खाता है, कहते ना तू गधे जैसे काम करते हो। दिखाई पड़ता है वेजिटेरियन में ज्यादा शक्ति है, नॉन वेज में ज्यादा शक्ति नहीं। अगर आप लोग इंटरनेट खोलना जानते हो ना, आप खोल कर देखना, उसमें दिखाया पृथ्वी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कैंसर में कौन मरता है, बोले जो जितने देश में मांस और मछली खाते हैं। उसमें दो चेहरा दिखाया, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, दो शरीर दिखाया। पर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जवानी में मांस मछली खाकर शरीर को फुला देते हैं, थोड़ी सी उम्र ढलते ही एकदम बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं तो इनका चेहरा में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, जवानी और बुढ़ापा में एक जैसे उनकी चेहरा रहता है, एक जैसे चेहरा रहती है। इसलिए और जो हमारा जो ये शरीर है कभी भेजे के लिए नन भेजे नहीं। जैसे देखो भगवान सभी का दांत, देखो कुत्ते बिल्ली शेर और बाघ दांत कैसे है? नोकीले नोकीले दांत है। क्यों? वो मांस खाएंगे, इसलिए भगवान उसको नोकीले नोकीले दांत बनाए। हमारे दांत कैसे? हमारे दांत देखो, घोड़े का दांत देखो, बैल का दांत देखो, बकरी का दांत देखो, हमारे दांत समान। क्यों? भगवान हमें वेजिटेरियन बनाए, इसलिए दांत हमारे ऐसे बनाए। और एक चीज देखना, जो नन भेजे खाते हैं वो पानी कैसे पीते हैं देखना, जीभ में चाट चाट कर खाते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो जीभ में चाट चाट कर नहीं, जितना नाम लिया मुंह में लगा करके पानी पीते हैं। आप देखना जो नन वेजिटेरियन, उनका आंख अगर आग को देखना जलते हुआ देखना। लेकिन जो वेजिटेरियन जो नाम बताया वो आंख नहीं जलता है, उनका आंख नहीं जलती है। खैर जितने नन वेजिटेरियन उनका जो आंख होता है केवल 2 मीटर होता है, इसलिए जल्दी खा कर उसको हजम कर देते हैं, जल्दी निकल जाती है। जितने हमारी हजम शक्ति इनको 10 गुना ज्यादा हजम शक्ति, इसलिए देखना कच्चा मांस खा कर हजम कर लेते हैं। हम लोग खा सकते कच्चा मांस को? खा नहीं सकते। क्यों? वो हमारा भोजन है ही नहीं, हम तो जोर जबरदस्ती करके वो चीज हम जोर जबरदस्ती करके खा रहे हैं। इसलिए अब देखो 1 किलो मांस का दाम कितना है, कितना है? 500, 1000 है ऐसे ऐसे। अगर 1 किलो मांस लाओ फिर उसे मसला मसला दे करके 600-700 रुपया खर्चा। अगर 1000 रुपया का साग सब्जी ले आओ कितना दिन चलेगा? देखना 10 दिन खाओगे। पैसा पैसा भी खर्चा भी कम हो गया, और उसमें इसका नाम देते मांस। मांस का मतलब क्या है? एक संस्कृत शब्द है, मान मतलब होता है मुझे, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में मांस को क्या कहते हैं? मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट। मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, अभी हम जिसको खाते हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए उसका शब्द ऐसे है। इसलिए भागवत में इसको बताए, देखो हम जीवन में सुख ही चाहते हैं, जीवन में कोई दुख नहीं चाहते। कोई दुख चाहते हैं जीवन में? सबके सब हम जीवन में सुख चाहते हैं। कहते भैया सुख देने पर तो सुख मिलेगा, दुख देकर कोई सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए धीरे 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 धीरे, जैसे वेजिटेरियन होकर के ठाकुर जी को भोग लगा करके हर चीज को खाओ, घर में शांति और सुख मिलेगा। इसलिए ये 4 चीज को छोड़नी चाहिए, कहते 4 चीज को जोड़नी चाहिए। भागवत से 4 चीज को लेकर के जाओ, बोले क्या क्या 4 चीज लेकर के जाएंगे? बोले पहला नंबर चीज लेकर के जाओ यहाँ से, हर भगवान जब इसी जगत से छोड़ कर गए कहते अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए? बोले ये तुलसी वृक्ष में छोड़ करके जाते हैं। हम कहेंगे ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी। बोले मतलब क्या? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, और वन मतलब तुलसी का वन। जहाँ पर तुलसी का बैल ठाकुर जी वहीं पर है। अब लोग तो हिंदू है, देखना सालोग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है। बोले क्यों? बोले जो सालोग्राम है ये जो तुलसी ये लक्ष्मी है। अगर जिसको घर में ये तुलसी पौधा है उसको घर में कौन है? लक्ष्मी और नारायण की निवास होता है। इसलिए श्री हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए कहाँ पर उन्होंने उतरे? उन्होंने तुलसी वृक्ष को देखकर वहीं पर उतरे, तुलसी वृक्ष को देख करके उतरे। अगर घर में तुलसी वृक्ष होना हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे।
और तुलसी घर में तुलसी वृक्ष जरूर होनी चाहिए। तुलसी जिसके घर में जितने सुंदर तुलसी वृक्ष होगी वो लक्ष्मी है, कभी उसको घर में उतना लक्ष्मी आती है। वो तुलसी को देखकर पता चल जाता है इसके घर में कितने भक्ति कितने लक्ष्मी है। आप देखना किसको घर में तुलसी पौधा नहीं होती, मर जाती है, ये अच्छी चीज नहीं है। जिस घर में जितने तुलसी की सेवा करोगे उतने माँ लक्ष्मी की कृपा उतना होती है। इसलिए रोज स्नान करके तुलसी वृक्ष में हमें रोज हमें पानी देनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करने पर कहते हैं वृंदा तुलसी देव गई प्रिया केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत नमो नमो। कहते इनकी कृपा से भगवान की भक्ति और प्रेम मिलती है। आप बताओ तो किसको किसको घर में तुलसी है? सबके घर में तुलसी है, बहुत अच्छी बात है। तुलसी मतलब है माँ लक्ष्मी और भगवान के निवास है। जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है ना उनके घर में कोई किसी तरह का पाप नहीं प्रवेश करता है, ठीक है ना। और देखो गले में भी ये तुलसी कंठी, गले में भी तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए। अगर गले में तुलसी कंठी हो तो कौन आ गए, लक्ष्मी नारायण के निवास हो जाती है तुलसी कंठी। और जब महाराज जब दूतों के कहते हैं बोले देखो जो भजन नहीं करते उनको मेरे पास में ले आना। जब दूत ने कहा प्रभु पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो। देखो क्या कहते हैं, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते है। जो फालतू कुत्ते होते हैं बिना पट्टे के जो रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए तुलसी गले में तुलसी कंठी मतलब है हम ठाकुर जी की पालतू है। इसलिए गले में जिसकी तुलसी कंठी होगा जब स्वयं कहते हैं वो कभी जम पूरी नहीं जाएगा। जब दूत उनको देख करके प्रणाम दूर से करते हैं ये ठाकुर जी की जन है। इसलिए आप लोग कोशिश करना गले में सबके सब तुलसी की कंठी धारण करने के लिए। इसलिए पहला नंबर तो तुलसी की सेवा करनी चाहिए। दूसरी क्या है, बोले एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। ये भागवत में देखो और कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, केवल एकादशी की व्रत कथा आती है। कहते जो एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत है। क्या व्रत है? कल्पतरु। देखो आप लोगों के पास में अगर एकादशी व्रत की कथा को पढ़ लेना उसमें एक एकादशी का नाम पुत्र था, मतलब जिसके घर में संतान नहीं अगर एकादशी व्रत का तो पुत्र मिलता है। एक एकादशी का नाम मोक्ष था। एकादशी करने से जीव जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी। वो एकादशी करने से जीव का सारे पाप नष्ट हो जाती है। और एक एकादशी का नाम है मोक्षदा। ऐसे आप पढ़कर देखिएगा अलग अलग एकादशी का नाम अलग अलग है। आप पढ़कर देखिए किसका घर में बड़े दुख कष्ट था किसी तरह से नहीं जाता था, एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो गई। किसका बिजनेस ठप हो गया था एकादशी व्रत किया तो बिजनेस उसका चालू हो गई। आप स्वयं पढ़ करके देखिएगा ऐसे कोई फल नहीं जो एकादशी व्रत के द्वारा नहीं मिलता है। आप देखना कोई व्यक्ति बिस्तर में, यहाँ पर कोई राजस्थान से कोई है? राजस्थान से कौन है? ये लोग है। राजस्थान में एक नियम है अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ प्राण नहीं जा रहे हैं साल साल तक उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओ सबसे पहले ब्राह्मण बताएगा कोई आप लोगों का अंदर में क्या है एकादशी व्रत करके इनको फल दे सकते हो। उसने और कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, एकादशी का नाम बताएगा। इतने महिमा एकादशी की उसको फल दो ना सारे पाप उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाती है। देखो मैं गया था यूरोप गया था, वहां पर एक स्थान है यूरोप में, हमारे यहाँ पर एक लड़की वो विशा बैठी हुई है। इनके परिवार में कोई एक व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और बड़े दिनों से हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, उसका प्राण जा ही नहीं रहा था। उसमें टाटी पेशाब करना गले में वो जाकर का अटक गया था, प्राण किसी तरह से नहीं निकलता था। उसका परिवार बड़े दुखी हुए। एक दिन मेरे को उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा इनको दुख देखा नहीं जा रहा है, इनको साल साल से बिस्तर में पड़े हुए, इनकी जल्दी मुक्ति कैसे होगा। मैंने कहा एक काम करो आप लोग एकादशी व्रत करके ना इसका फल दे दो। बोले एकादशी तक 10 दिन बाकी है,
मैंने कहा संकल्प कर सबके सब संकल्प करके इनका एकादशी फल दो। जब इतना बोले ना उसी रात को ही उनके शरीर छोड़े, उसी रात को अपने शरीर छोड़े। इसलिए आप भी देख लेना वृंदावन में एक ट्रक को साथ में गैया की टकराव हो गई, हाथ उसका हाथ ही पहले टूट गई। एक अंग्रेजी भक्त थे, अंग्रेजी हमारे गुरु जी का शिष्य, उसने गुरु जी को आकर के बोला गुरु जी एक गैया को ट्रक एक्सीडेंट हो गई, हाथ पैर टूटा हुआ, बड़ा कष्ट उठा रहा है, क्या किया जाए। गुरु जी ने कहा एक काम करना, जाओ उसको कानों में धीरे धीरे जाकर के बोलना मैं एकादशी का व्रत हम तुमको दे रहा हूँ। बोलने का साथ साथ उसको प्राण छूटे। इतने शक्ति ये एकादशी व्रत में, इतने शक्ति सब कुछ एकादशी व्रत से ही मिलती है। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। और एकादशी का दिन अर्न में बोले सारे पाप रहता है, गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, सारे पाप रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्न भोजन करेगा सारे पाप उसको लगता है। इसलिए एकादशी का दिन 5 रबी शस्य नहीं लेनी चाहिए, जैसे चावल है, गेहूं है, हैं, जौ है, जितने सरिस है और दाल है, ये 5 तरह का रबी शस्य एकादशी का दिन हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एकादशी कौन कौन रखते हो? सबसे सब रखते हो, बाबा रे यहाँ पर तो बड़े बड़े भक्त है। हाँ, जो लोग नहीं करते हो जरूर आप लोग एकादशी व्रत जरूर करना, ठीक है, एकादशी व्रत करना। बोले तीसरी चीज क्या लेंगे कथा से, बोले हर घर घर में ठाकुर जी के विग्रह होने चाहिए, घर घर में ठाकुर जी की मंदिर होनी चाहिए। सवेरे उठ करके ठाकुर जी का स्नान कराओ, ठाकुर जी का वस्त्र बदलाओ, ऐसे नहीं कभी कभी ठाकुर जी को 10-15 दिन से एक पोशाक पहना कर रख देते। बोले नहीं, आप भगवान को हमारे पद्म पुराण में बताया जब ठाकुर को आप कोई पोशाक पहनाते हो उसमें जितने धागा होता है ना तो उतने कल्प तक वैकुंठ वास होता है, इतने महिमा भगवान को वस्त्र देने का। जैसे हमारा भी वस्त्र कितना, अपना अलमारी में देखो कितने वस्त्र हमारी है, ठाकुर के लिए 2-3 वस्त्र होगा, 10-15 दिन से एक वस्त्र पहने हुए नहीं। ठाकुर जी को स्नान करा के हमारी भी तो इच्छा होता है नए नए वस्त्र पहने। ठाकुर को दोगे ना, जितना दोगे ठाकुर जी को उतना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने थोड़ी सी कपड़ा तो बांध दिए ठाकुर के हाथों में, भरी सभा में ठाकुर जी लाज बचाए। इसलिए रोज घर में ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाने जाओ, कोशिश करना शुद्ध रूप में बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाकर खाओ, ठीक है ना। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो कि ठाकुर कैसे, ठाकुर पत्थर नहीं, बोले एक समय अयोध्या में कोई एक गुरु जी थे, उसका एक छोटा चेला था जिसका नाम था रामदास। गुरु जी ने कहा रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना, तुम ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी आदेश है तो मैं सब कुछ कर दूंगा। बोले ठाकुर को बढ़िया से खाना खिलाना। बोले कोई चिंता मत करो। अभी जब गुरु जी चले गए उसने कभी देखा नहीं ठाकुर को कैसे खिलाते, उसने रोटी सब्जी बनाए ठाकुर को सामने धर दिया और पीढ़ी दे दिया। बोले ठाकुर जी आओ खाना खा। वो छोटा बच्चा था, उसका धारणा था जैसे हम बैठ करके खाना खाते हैं ना ठाकुर जी ऐसे ही खाना खाते हैं। लेकिन देखा राम तो उतर गए, था ही नहीं वो राम दरबार था, वो उतर कर ठाकुर जी खाना ही नहीं खाए। लेकिन ठाकुर जी मैं बालक हूँ, मेरे को तो मंत्र फंत्र आता ही नहीं, लेकिन गुरु जी बोल कर गए ठाकुर जी को अच्छे तरह से खिलाओ, अगर आप नहीं खाओगे ना गुरु जी मेरे पर गुस्सा करेंगे, इसलिए आप बैठ कर खाना खाओ। तभी ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे। बोले आप नहीं खाना खाओगे ना, आप लोग अयोध्या गए हो, ये अयोध्या की घटना है, आप देखना वहाँ सरोज नदी बह रही है। बोले ये सरोज नदी में आत्महत्या करता था, फिर उसने आत्महत्या करने के लिए गया। भगवान जो राम थे ना हिल गए ठाकुर जी इसकी भावना देख करके, हनुमान जी को बताया जल्दी जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे, वो छलांग लगाने वाला था, इतने में हनुमत लाल जी पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे। बोले खा रहे? बोले हाँ, सचमुच से भगवान राम खाए, मैया जानकी खाए, लक्ष्मण हनुमान की फिर इसने खाना खाए। जब 2-4 दिन सेवा की ना, बोले ठाकुर जी मेरे अकेले मेरे से सेवा नहीं हो पा रही, अकेला भिक्षा करके लाओ, अकेला लकड़ी लाओ, पत्ता लाओ, रसोई बनाओ, फिर भिक्षा इतने मेरे से नहीं होता। भगवान राम बोले बताओ हम भी मदद करेंगे। बोले आपका पिता हो आप एक ही काम करना, आप थोड़े से पत्ता और दोड़ा बना दो। मैया सीता बोली मेरे क्या सेवा दो। बोले आपका घर की माँ हो, माँ जी के काम रसोई बनाना। बोले जिंदगी भर तो मैं यही काम किया, जंगल में रहता सर मैं रसोई बना दी।
लक्ष्मण जी बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले देखो मैं अकेला जंगल से सूखी लकड़ी लाना पड़ता है, आप थोड़ा सूखी लकड़ी ले आओगे, बोले भैया तो यही काम तो जंगल में मैंने भी किया है इसलिए तो मेरा काम ले आऊंगा। हनुमान जी बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा, बोले आप है ना थोड़ी सी रखवाल करना देखभाल करना, बोले मेरा तो काम यही था, अभी केवल ये भिक्षा करके लाता है। मैया सीता छप्पन भोग 36 व्यंजन बनाती, माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान और भैया सेवा चल रहा है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का एक लेटर आया, रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, एक दिन के लिए खाने की व्यवस्था कर देना, केवल एक टाइम के लिए मैं आकर के सब देख लूंगा। उसने माता सीता को बोले मैया गुरु जी की पत्र आया है, कहते कुछ संत लोग आ रहे हैं, एक टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा खाना बना देना। बोले बेटा चिंता मत करना, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना। उन्होंने गुरु जी के पास में पत्र लिखा, गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया सीता रोज रोज 36 व्यंजन बनाती, लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आते हैं, हनुमान जी सब देख लेते हैं। गुरु जी जब ये लेटर देखा ना, बोले पागल क्या बोल रहा है, लक्ष्मण लकड़ी लाते हैं, हनुमान जी ये करते हैं भैया। उन्होंने सोचा पता नहीं छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं, अभी गुरु जी आएंगे। जब गुरु जी आए ना, सचमुच से देखा इतने तरह तरह का अन्न व्यंजन खाना पूरा घर भरा हुआ। गुरु जी तो बड़े चिंता में आ रहे थे, बच्चा पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, इतने खाना देख करके बोले भैया इतने खाना बनाया किसने? देखा सचमुच से माँ सीता कोने पे बैठी हुई और बैठ करके स्वयं रोसी बना रही थी। अभी इनके तो मन सरल मन है इसलिए बना रहे थे, जब गुरु जी को देखा ना इतने में मैया सीता ने थोड़ी सी मुस्कुराई, मीठी मीठी मुस्कुराई और वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। उसने पूछा बेटा ऐसे कैसे हो गया? बोले गुरु जी जब आप गए ना ठाकुर तो खाना ही नहीं खा रहे थे, मैं बहुत रोने लग गया, जब मैंने स्विच आत्महत्या करने के लिए गया फिर ठाकुर जी खाना खाए। रोज मैया सीता इतने रसोई बनाती है और लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आते हैं, हनुमान जी सारे काम कर लेते हैं, राम केवल उनको थोड़ा पत्ते बना देते हैं। इतने में गुरु जी तो उनके चरण में गिर गए, बोले भैया गुरु तो गुरु बनकर रह गया, चला चीनी बन गया। हाँ इसलिए कहते हैं ना, कहते कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन अगर हम ऐसे भक्त बने फिर भगवान हमें करेंगे। इसलिए घर में जब ठाकुर को पूजा करो ऐसे पत्थर मान करके नहीं, साक्षात भगवान मान करके। अब स्वयं देखना, पहले बताया ना कि शरीर को जितने सुंदर श्रृंगार करो, आप शीशा को सामने खड़े हो परछाई अपनी आप सज जाती है, तो उसी तरह जो जितने ठाकुर को अच्छे तरह से खिलाओगे, अच्छे तरह से स्नान कराओ, ठाकुर को सेवा करना, देखना घर में जितने सारे दुख कष्ट भाग जाएगी, घर में जितने सुख और शांति, घर में सारे सुख शांति आ जाएगी। ठीक है ना, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। देखो जो चौथा जो चीज लेना है ये सबसे कीमती चीज लेना है, कहते क्या लेना है? पहले मैंने बताया था जो भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की नाम है। अगर भगवान के नाम कोई अगर जप कर लिया, समझो सब हमारी हो गया, सारे काम हमारी हो गया, इसलिए भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। ठीक है ना, देखो मैंने बहुत जगह पर ये स्टोरी सुनाया, आपको भी एक स्टोरी सुना देता हूँ, आप लोग ध्यान लगा कर सुनो। ये स्टोरी सुनाने का बाद फिर मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, और जो नहीं पूछ बोल पाएगा ये स्टोरी ना, बीच में मैं खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए ऐसे ध्यान लगा करके सुनो, जैसे इसको सुन करके मेरे को आप दो बार बोल दो, ठीक है? अगर ये कथा और किसी को सुना दोगे तो जरूर प्रभु की भजन में लग जाएगा, इतने महत्व ये कथा की। आप ध्यान लगा कर सुना, बोले कोई एक राजा था, कहते तो राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी? चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और इसकी मन पसंद चीज को देख देखकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी रानी थी देखने में सबसे सुंदर थी, राजा जब नगर घूमने जाता था इसको सुंदर करके श्रृंगार करके रथ में बैठा करके दुनिया को दिखाता था, देखो रानी मेरी कितने प्यारी है। राजा का जो तीसरे नंबर की रानी वो बड़ी मीठा मीठा बात बोलती थी बना बना करके। राजा जब महल में आता था ये रानी को पास में बैठ करके उसकी मीठा मीठा बोली सुनकर बड़ा खुश होता था।
और मन की बात और किसी की नहीं, ये तीसरी नंबर रानी को बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी प्यारी सुंदरी, लेकिन जब से शादी करके लाई ना, तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे को साड़ी साबुन और तेल चाहिए थी। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा की अंतिम समय आया संसार छोड़ने का। सोचा मेरे चार चार रानियां, इनसे प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, आप लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी? बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी तुम लोग भूल गए हो, कथा सुना सुना दे। राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद वो चीज को देख देख कर उसको खुश करता था। तब पहले नंबर रानी की नंबर आई, बोले रानी तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था। बोले हाँ। बोले अभी मेरी अंतिम समय है, मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली होगी। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाली नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए मैं जो इतना की, बोले तेरे कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को बड़ा कष्ट मिला। अभी दूसरी नंबर रानी से पूछा, दूसरी नंबर रानी कौन थी? बहुत सुंदर थी। राजा जिसको सुंदर श्रृंगार करके रात में बैठा करके दुनिया को दिखाता था। बोले तू क्या करोगी, चलोगी? बोले मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगी और मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदर। बोले है तो बड़ी सुंदर ही। बोले इसलिए मैं जहाँ जाऊंगी मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा को और कष्ट मिला। अभी तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था। बोले नानी तू क्या करोगी, तो साथ में चलोगी? वो थोड़ी अच्छी दिखी। बोले चलूंगी तेरे साथ में, लेकिन दरवाजा तो चल सकती? बोले दरवाजा तो चलना कोई चलना है। बोले अगर ज्यादा बोलोगे ना, मैं चार ही कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजा में चलना थोड़ी चलना है। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा। कभी पूछा कि नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। लेकिन जब बड़ी रानी की, सबसे छोटी रानी की नंबर आई, बोले तू चलोगी? बस वही चलने के लिए तैयार हुई। राजा तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करते दिल से, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे को झांक कर भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। तुमने जो कुछ किया मेरे लिए, लेकिन दिल से मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाना खिलाए तेरे को खाना खिलाऊ। राजा को इतना प्रसन्न, इतना खुश हुआ, जिनके लिए हमने जिंदगी दिया वही जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। हाँ, अभी आप लोग इसके मतलब को समझो और कोशिश करना। देखो अगर ये कथा के सार समझ गए ना आप लोग, समझना जो शादी की कथा हुई ना, इसका सार समझ गए हो, इसके सार समझ गए हो। इसलिए सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे, वो जिस समय जो चीज की मांग करती है, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़े, ला करके उसको देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा उसको पूछेंगे जाने के लिए, वो एक कदम भी हमारे साथ में चलने वाले नहीं। कहते वो कौन है? ये कौन है? हाँ, आप लोग पहले से सुन रहे हैं। इसलिए ये शरीर है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय जिस चीज की मांग करती है, बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में चलोगे? बोले चलो। ब्यूटी पार्लर में सजा कर लाएंगे। बोले गोल गप्पे उसी दुकान में बड़ी गोल गप्पे मिलते, खाओगे? बोले चलो वही खिला कर लाएंगे। बोले चाट मसाला उसी दुकान में बहुत बढ़िया, खाओगे? बोले वहाँ पर खिलाएंगे। बोले पिज्जा पास्ता वहाँ पर होटल में बढ़िया, बोले खिला करके आएंगे। बोले सिनेमा देखोगे? बोले दिखाएंगे। बोले वो मालूम ना इतना बढ़िया सुंदर साड़ी मिलती है, पहनोगे? बोले चलो तेरे को साड़ी पहनाएंगे। देखना ये शरीर हमें जिस समय के लिए जो मांगे, उसी समय में हम उसको ला करके देते हैं। अंतिम समय में शरीर से पूछो साथ में चलोगे, ये शरीर चलेगा? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा खड़ा रह जाएगा, ये शरीर सबसे ज्यादा धोखे। अब दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी, कहते सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया, अब सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसा होगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया दुकान बगान साड़ी पहनेंगे। पैसा से पूछा चलोगे? बोले चलूंगी, मैं तो देख रहा हूँ तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी।
मतलब कि आज हमारे पास में पैसा, सर्विस छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, वही उसको भोग करेगा। वो कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। अभी तीसरी नंबर आई, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, बोले ये कौन है, बोले परिवार वाले। पूछे सबसे नंबर आई पत्नी की, पत्नी से पूछे चलोगी साथ में, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। हमारी हिंदू संस्कृति में पति जब शरीर छोड़े, पत्नी कहाँ तक चलती है, वो दरवाजे तक चलती, उसका आगे ये नहीं चलती है। हैं परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आरती सजाएंगे, अरे राम नाम सत्य करते करते, बोले कहाँ तक ले जाओगे, बोले शमशान तक ले जाएंगे, वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे। बोले आगे नहीं चल सकते। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, जो चौथी नंबर है, जिसको जीवन में राजा सबसे ज्यादा निगलेट करके रखा, बेकार मान कर रखा, कभी उससे पूछा भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है भी नहीं, लेकिन जब उसको पूछा केवल वही राजी होती है, राजा तेरे को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, है इसलिए भले ही तुम मेरे साथ में जो कुछ किया किया लेकिन तेरे साथ साथ में चलूंगी। कहती है कौन है जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट करके रखे, बोले ये भगवान की भक्ति है और भगवान के नाम है। अगर किसको बोले भैया थोड़ा भगवान के नाम करो, बोले जिसका काम धाम नहीं वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं, हमारा तो टीवी देखना, घूमना, गप्पे मारना, हमारा बहुत सारी काम पड़ा हुआ है, लेकिन भैया जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, जोर से बोलो, हाँ यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा बेटा, जितने तुमने प्रभु का नाम जप किए, भजन किए, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और जो कुछ किए सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ में नहीं जा रही, आगे क्या जाएगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, केवल भगवान के नाम जाएगी, ठीक है ना। अब बताओ तो कौन सा स्त्री को ज्यादा आदर देनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए, कौन सा स्त्री को, कौन सा नंबर को, वाह अरे हम लोग सब पंडित ही बड़े बड़े पंडित, हाँ इसलिए क्या करना, रोज घर में है बैठ करके ठाकुर जी को नहा धो करके थोड़ा माला जप करना, दिन भर तो काम करो, काम नहीं जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, हाथों में घर में झाड़ू लगाओ, समझे ठाकुर के दरबार में झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाओ ठाकुर जी के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन प्याज लहसुन मत डाला करते, ठीक है ना। और खूब बढ़िया करके स्नान, बढ़िया साड़ी पहनो, बोले क्यों, बोले गंदे शरीर से ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे, अच्छे वस्त्र पहने करके सेवा करेंगे, इसलिए खूब पैसा कमाओ, क्यों पैसा कमा रहे हो, पैसा लक्ष्मी ठाकुर जी की सेवा के लिए हम पैसा कमाते हैं, इसलिए हर चीज को भक्ति में जोड़ दो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति में सारी चीज जोड़ दो, बस बैठ बैठ करके मुक्ति हो जाएगी बैठ। लेकिन एक विशेष बात है, कहते ना बीनू सत संग विवेक ना हो और राम कृपा बिनो सुलभ ना सही, जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे हमारे हृदय में ये भाव को भरेगा कौन, भक्त लोग ही भर सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग इसी मठ में आते रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पुजारी प्रभु रहते हैं और हमारे कुछ भक्त लोग यहाँ रहते हैं, बीच बीच में यहाँ पर उत्सव होता है, हाँ बीच बीच में आप लोग यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो ब्रह्मचारी लोग कौन यहाँ पर है, कोई ब्रह्मचारी घर है, कौन ब्रह्मचारी यहाँ है, अगर आप लोग हो तो अपना फोन नंबर और अपना नाम लिख करके यहाँ से जाना, जाओगे तो ये कभी कभी यहाँ जब यहाँ पर उत्सव होएगा आपको मिस कॉल कर देंगे, आपको मैसेज भेज देंगे, यहाँ पर ये भक्त आ रहे हैं, हरी कथा होगी, फिर आप लोग यहाँ आते रहना, यहाँ पर आप लोग आते रहना और कथा सुनते रहना, फिर धीरे 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 आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी। जैसे अभी मैं आया हूँ, अभी तो पूरा शरीर गर्म हो गया, पूरा हम भगवान भजन कर नाम करेंगे, लेकिन जब हम चले जाएंगे ना फिर वो गर्मी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगी, है धीरे धीरे उतरना शुरू जाएगा, लेकिन अगर भक्तों का संग करते रहेंगे पूरा के पूरा भक्ति एकदम बनी रहेगी, भक्ति कभी नहीं जाएगी। इसलिए देखो और ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी और एक केवल माला करके फिर ठाकुर जी की आरती होगी, फिर सबके सब प्रसाद लेकर जाएगी, ठीक है। हाँ देखो वो कपिल कहाँ गया, कपिल कहाँ है, हरे कृष्ण, और रुक्मिणी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है,
हाँ अब थोड़ी सी बैठ जाओ। अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई है, कृष्ण रुक्मिणी बना दिया कृष्ण रुक्मिणी को और कपिल प्रभु बुला देना। और ये कहाँ है माधव प्रिय प्रभु, कहाँ है माधव प्रिय प्रभु, आएंगे माधव प्रिय प्रभु जी कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ। हाँ देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी और सबके सब कृष्ण रुक्मिणी शादी में खूब नाचना ठीक है। हाँ हरे कृष्णा। देखो भीष्मक देश में एक राजा थे जिनके पांच बेटे और सबसे जो छोटी बेटी सख्यात माँ ये लक्ष्मी स्वरूपी। अभी नारद जी के मुखार बिंद से कृष्ण कथा सुनते सुनते उसकी कणकण में भगवान कृष्ण बैठ गए। अभी उसने प्रतिज्ञा की है अगर मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को मैं शादी करूंगी। लेकिन उसका जो बड़ा भाई रुक्मी था बोले क्या कृष्ण का साथ में कि ग्वाला का साथ में मेरी बहनी की शादी होगी, बोले शादी करवाएंगे धर्म श्री शिशुपाल से हम शादी करेंगे। इतने में माता रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाए, बुला करके उसको हाथ में एक प्रेम पत्र लिख करके उनको हाथ में कृष्ण के पास में पहुंचाते हैं। प्रभु जी कृष्ण रुक्मिणी बन गए, तुम इधर आ जाओ कृष्ण रुक्मिणी लेकर। कहा कृष्ण रुक्मिणी लेकर याद है प्रभु। अभी रुक्मिणी ने सब कुछ बात लिख दी, बोले हे प्रभु अगर आप यहाँ से मेरे को उधार नहीं करोगे मैं जन्म जन्मांतर तक ये प्राण को त्याग दे सकती हूँ लेकिन ये शिशुपाल को मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए इस जगत में अगर पति बनने का लायक हो तो केवल आप ही पति बनने का लायक हो, क्योंकि हर जन्म में देखना शादी होता है शंखा सिंदूर पहनते हैं लेकिन उसको टूट जाती है, ये मांग मिट जाती है। बोले कब तक ये मिटेगी और टूटेगी, बोले जब तक आपको कोई पति रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। उसमें ये लिख दिया आप कैसे मेरे को उद्धार करोगे, कहते हमारी एक नियम है बेटी शादी से पहले ये नगर से बाहर जाते हैं निकल करके देवी पूजा करने के लिए, आप ठीक उसी समय पर अपना पराक्रम को दिखाते हुए आप मेरे को हरण करना। उन्होंने सब कुछ लिख दिया। इतने में शिशुपाल जब पता चला ये रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो अपना दल बल संजय सामंत को लेकर के आए, चारों तरफ में उन्होंने घेराव कर दी जैसे कृष्ण अंदर में नहीं आ सकते हैं। इतने में रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में माँ देवी पूजा करने के लिए जाती है, वहां पर शंकर और पार्वती स्वयं वहां प्रकट हुए, प्रकट होकर के वेद मंत्र पढ़ करके उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी को वहीं शादी करवा दिया। जब माता रुक्मिणी जब माता रुक्मिणी वो आती है इतने में सुंदर थी प्रभु जी एक चेयर चेयर दे दो माला वाली हटा दो वो चेयर उसी चेयर में विभिन्न को चेयर दे दो। इसलिए जिस समय से रुक्मिणी आई इतने में अपना इसलिए जब रुक्मिणी आई और अपना घूंघट को निकाली इतने में इतने सुंदर थी जिनकी सुंदरता को देख करके सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए इतने में कृष्ण निकल गए और आकर के रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके रथ में बैठाए और भगवान कृष्ण लेकर चले गए। जब इनकी होश आए बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई, बोले जिसका था तो उसने लेकर चले गए। इतने में श्री सारे सैन्य सामर कृष्ण को ऊपर टूट पड़े। इतने में श्री दाऊ भैया आए बोले कन्या कोई चिंता मत करो रुक्मिणी को लेकर जाओ मैं इसको निपट लेता हूँ। बलदेव प्रभु युद्ध करते हुए सबको भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के गए द्वारका में और बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की बड़े धूमधाम से शादी होती है। लो ये माला लो प्रभु जी धाम प्रसाद। जगह जगह प्रसाद लगाना चालू, इसलिए भगवान का प्रसाद को छोड़ने
जाना नहीं, सबके सब प्रसाद पार कर जाना। थोड़ी समय में ही अभी कथा का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन सबके सब प्रसाद लेकर जाएगी। हाँ बोलो 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 We'll be right back.